राज्य मंत्री राजखेड़ा ने दी छरछे क्षेत्र को सौगात। 136 करोड़ की सड़क सहित 15 करोड़ की नल जल योजना का किया भूमि पूजन। पोहरी क्षेत्र में स्थानीय विधायक एवं मध्य प्रदेश शासन में लोक निर्माण के राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा ने आज छर्च क्षेत्र को सबसे बड़ी सौगात के रूप में 136 करोड़ रुपए की सड़क दी है। राज्य मंत्री राठखेड़ा ने क्षेत्र की जनता की आवाज़ सुनी और छर्च क्षेत्र जो सड़क से परेशान था, आज उस सौगात के बाद क्षेत्र की जनता में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, क्योंकि इस सड़क के बनने के बाद पोहरी एवं शिवपुरी की दूरी अब आसानी से तय हो जाएगी। साथ में पेयजल की परेशानी भी अब इस क्षेत्र में दूर होगी और लगभग 15 करोड़ 43 लाख की लागत से नल जल योजना का भूमि पूजन किया गया है, जिससे अब महिलाओं को घर पर नल द्वारा पानी मिलेगा। क्षेत्र की जनता की हर पुकार राज्य मंत्री राठखेड़ा सुनकर पूरी कर ले रहे हैं, जिसे पोहरी का नाम प्रदेश में विकास में अलग दिखाई देगा। इस बार तो छच को आपको मुझे जिताना होगा, तो छच जीतूंगा, विकास की गारंटी में लेके जा रहा हूँ। आप जो जो मांगोगे तो आपका बेटा भाई सुरेश धाकड़ आपको देगा, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। और जब जब गिरीश तूने कहा होगा छच के लिए मैंने कभी मना नहीं की होगी, जो भी मांगा होगा मैंने दिया होगा। आप सबने जो सम्मान किया और मंच का सम्मान किया, उसके लिए मंच की ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज कई दिनों से क्षेत्र की मांग थी, मैं कई बार यहाँ आता था तो क्षेत्र के लोगों की एक ही मांग थी कि हाथ से लेके छत से बलुआ और बलुआ से लेके वर्तमान तक की रोड पर मंजूर हो गई। मैंने उनको आश्वासन दिया था कि रोड में मंजूर करके आपको दूंगा। आज वो मांग उनकी पूरी हो गई और 63 किलोमीटर रोड आज मैंने सूचित करा के क्षेत्र की जनता के सपोर्ट किए है। आज उसका हमने भूमि पूजन किया है और बहुत जल्दी उसका काम हम चालू करके देंगे। और हमारे क्षेत्र में नल जल योजना की बड़ी समस्या थी, तो आज हमने 21-22 गांव के लिए नल जल योजना का भी भूमि पूजन किया है और बहुत जल्दी वो भी हम काम करके और नल लगा के और चोटी से पानी भर के बहनों को, जब तक हम झज्जर पानी नहीं देखेंगे, जब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे, सभी बहनों को घर पर पानी देंगे। और रोड की सुविधा इस क्षेत्र को दी है। इससे पहले लाइट की बड़ी दिक्कत थी तो पावर हाउस बना के मैंने क्षेत्र को दिया, उस दिन से लाइट की समस्या खत्म, अब रोड की समस्या भी इनकी खत्म हो गई।